हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि क्लास 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के सिलेबस से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब मानव सुरक्षा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सुरक्षा क्या होती है और उसके बाद ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, मानव सुरक्षा क्या होती है और मानव सुरक्षा के अलग अलग आयाम, मतलब टू डिफरेंट नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू द ह्यूमन सिक्योरिटी, कि मानव सुरक्षा के लिए कौन कौन से नए चीज़ें निकल के आई हैं जिससे कि मानव सुरक्षा को और ज़्यादा खतरा क्रिएट हुआ है। और इसी के अंदर ये टॉपिक भी कवर होता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ थ्रेट ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन या आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या क्या फ़र्क पड़े हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के कंसेप्ट पे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुरक्षा होता है क्या, कि व्हाट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम इसकी अगर एक कॉमन डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन बनती है, वो है फ्रीडम फ्रॉम ऑल द थ्रेट्स। मतलब बहुत सिंपल है कि सभी चीज़ों से आज़ादी मिलना, मतलब सभी खतरों से आज़ादी मिलना, मतलब सिक्योरिटी। तो यहीं से हम समझते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। मानव सुरक्षा का कंसेप्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि वो सभी खतरे, वो सभी चीज़ें जिससे कि मानव अस्तित्व को खतरा हो, उन सभी से आज़ादी मिलना, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ह्यूमन सिक्योरिटी बेसिकली इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम ऑल द थ्रेट्स विच कॉज द एंडेंजर्ड ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। अब सबसे पहला सवाल ये है कि खतरे कौन से थ्रेट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब वो थ्रेट्स कैसे भी हो सकते हैं, वो सामाजिक तौर पर भी हो सकते हैं कि सामाजिक तौर पर सोशली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो कि ह्यूमन बींग्स की, किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, फिर उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाएं या फिर उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करें। और इसके अलावा इकोनॉमिक तौर पर भी हो सकता है कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हों, ऐसे सिचुएशंस हो जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है इतना, उसकी जो है लाइवलीहुड इतना ज़्यादा ना हो कि अपनी लाइफ को चला सके, तो इससे भी ह्यूमन लाइफ को या उसके सिक्योरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो थ्रेट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, खतरे कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। तो ऐसे कोई भी थ्रेट्स जिससे कि इंडिविजुअल की लाइफ के साथ साथ उसकी डिग्निटी को, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को, उसकी लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सभी चीज़ों से आज़ादी मिलना, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी। आगे हम बात करें तो सिक्योरिटी के बेसिकली दो अलग अलग नोशंस होते हैं, दो अलग अलग आयाम होते हैं, वो भी हम लोग अब पढ़ेंगे। एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो मतलब पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा, दो आयाम हैं सुरक्षा के, सिक्योरिटी के, वो भी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब पारंपरिक सुरक्षा, जैसा नाम से क्लियर है कि वो सारे खतरे, वो सारी चीज़ें जो कि परंपरा से काफ़ी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं, काफ़ी लंबे ट्रेडिशन से चलती हुई आ रही हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को भी देखेंगे तो सबसे बड़ा जो ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था मिलिट्री। मिलिट्री हमने क्यों बोला है, मिलिट्री इसलिए क्योंकि दुनिया के इतिहास में हमने देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उसके अलावा बहुत सारे बायलिटरल डिस्प्यूट्स थे बहुत अलग अलग देशों के, जिसमें क्या होता था कि कोई भी एक देश की सेना दूसरे देश के सेना के ऊपर हमला कर देती थी जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान जाती थी। तो पारंपरिक सुरक्षा क्या था, पारंपरिक सुरक्षा का जो आयाम था वो बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है कि जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को स्पेसिफिकली क्या है, मिलिट्री से, मतलब हथियारों से खतरा हुआ करता था। और उसका इतिहास गवाह ये है, उसका एग्जाम्पल ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बहुत सारे अलग अलग डिस्प्यूट्स जो दो देशों के बीच में, दो से ज़्यादा देशों के बीच में हुआ करते थे, जिसमें किसी भी एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के ऊपर हमला कर देती थी जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान जाती थी। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब हम आगे बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की। सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हुआ करती थी वो बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक नया युद्ध शुरू हुआ, इसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। अगर आप कोल्ड वॉर के बारे में आपने नहीं सुना है तो इसके ऊपर एक मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे दो सुपर पावर्स के बीच में एक लंबे टाइम तक एक शीत युद्ध चलता रहा। तो उसकी वीडियो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कोल्ड वॉर दो सुपर पावर्स के बीच में चलता रहा। उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिलिट्री की, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स अपने आप को हर हालत में सुपीरियर दिखाना चाहते थे,
और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कोल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर आया और 1991 तक आते आते जो उनमें से एक सुपर पावर थी सोवियत यूनियन, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, उसको डिसइंटीग्रेट हो गई। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद इंटरनेशनल जो सिनेरियो था, दुनिया का जो व्यवस्था थी, वो बदलना शुरू हुई। सबसे पहले तो दुनिया हो यूनिपोलर, मतलब इकलौती सिंगल सेंटर ऑफ पावर बचा दुनिया के अंदर, वो था अमेरिका। और धीरे धीरे दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होती रही। अब मतलब दुनिया के अंदर ऐसा सिस्टम आ चुका था जब जहाँ पर बहुत सारी सुपर पावर्स धीरे धीरे क्रिएट होने लगी थी, मतलब बहुत सारी इमर्जिंग पावर्स देश के अंदर दुनिया के अंदर निकल के आने लगी थी। अब ऐसे में सुरक्षा का जो आयाम था, अब सिक्योरिटी का जो डायमेंशन था, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे चेंज होने वाला था। और यहीं से शुरुआत होती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, मतलब अपारंपरिक सुरक्षा की। अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट निकल के आने वाले थे ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, मतलब मानव सुरक्षा के लिए कुछ नए नए स्रोत निकल के आने वाले थे खतरे के। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर। तो अब उन्हीं की बात करते हैं कि व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो जो नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट निकल कर आए हैं, नए सोर्सेज हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, जो खतरा बने हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। और उसमें जो है ट्रेडिशनल ओशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग मारे जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर, इन न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट के अंदर। तो मतलब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है, जो नए सुरक्षा के लिए खतरे निकल कर आए हैं, दे आर बियॉन्ड द मिलिट्री थ्रेट्स। ये जो है सेना के खतरे से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के हैं। तो ऐसे ही कुछ हम सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला सोर्स है इसके अंदर इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या भी पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद से एक नया कंसेप्ट निकल कर आया इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब एक ऐसा आतंकवाद उभर कर आया जिसका जो है दुश्मनी सिर्फ किसी एक दो देशों से नहीं थी, मतलब ये जो थ्रेट था अब वो पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम इमर्ज होकर आया। तो आप देखते हैं न्यूज़ भी काफ़ी सारी आती हैं जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म के जो अटैक्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान एक साथ ही चली जाती है, और ये इनडिस्क्रिमिनेटली बिना किसी भेदभाव के, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेररराइज करना, दुनिया के अंदर डर का माहौल बनाना और अपनी इललेजिटिमेट डिमांड्स को मनवाने की सरकारों से कोशिश करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर थ्रेट निकल कर आया है और ये न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है जो कि पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 20-25 सालों से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थ्रेट निकल कर आए ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे सोर्स की। तो दूसरा सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या भी, हालांकि प्रॉब्लम तो काफ़ी पहले से थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसने काफ़ी ज़्यादा एक डिज़ास्ट्रस रूप ले लिया है, एक बहुत ज़्यादा फॉर्म ख़राब हो चुकी है इसकी। जब पहले की जो देश थे इस प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसको अवॉइड करते थे, ना ही दुनिया के लोगों को, ऐसा देशों को लगता था कि इस पर आकर एक ग्लोबल लेवल पर सबको कोऑपरेट करके इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई और दुनिया के सभी देश इससे प्रभावित होने लगे, तब ये भी एक न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट लोगों को लगा, दुनिया को लगा। उसके बाद से दुनिया के जितने भी देश हैं या जितने भी मेजरली समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है, उन सभी के अंदर इसको एक ग्लोबल प्रॉब्लम के ऊपर के रूप में देखा जाता है, एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट के रूप में देखा जाता है, और इससे डील करने के लिए काफ़ी सारे देश एक साथ मिलकर काम भी करते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर नेचुरल डिज़ास्टर कहीं पर भी आते हैं, बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स में बहुत सारे अर्थक्वेक भी आते हैं जिसके अंदर लाखों लोग एक साथ मारे जाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट निकल के आया है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं तीसरे सोर्स ऑफ थ्रेट की। तो तीसरा सोर्स ऑफ थ्रेट है ग्लोबल पॉवर्टी। जी हाँ, सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ग्लोबल पॉवर्टी भी मानव अस्तित्व के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। वो कैसे है, क्योंकि ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से अगर लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, अगर यही चीज़ें नहीं होंगी, अगर उसकी प्रॉपर जीविका कमाने का सोर्स उसके पास नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ह्यूमन बींग्स को एक मिजरेबल लाइफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दयनीय हालत में लाइफ को जीना पड़ेगा। तो ये भी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी और उसके लाइफ के लिए भी एक बड़ा खतरा प्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थ्रेट की, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ थ्रेट है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ एपिडेमिक्स। जी हाँ, ये तो पूरी दुनिया आज के टाइम पे देख ही रही है कि हेल्थ एपिडेमिक्स किस हद तक एक बहुत बड़ा डिजास्ट्रस कॉज बन के निकला है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हज़ारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसको फेस कर रहे हैं और करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है।
आज के टाइम पे कोविड 19 की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हेल्थ एपिडेमिक का, जिससे न सिर्फ एक देश दुनिया का प्रभावित है बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा थ्रेट बनकर उभरा है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था ह्यूमन सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बातें जानी कि मानव सुरक्षा होती क्या है, उसके बाद इसके दो अलग अलग आयाम क्या होते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। उसके बाद हमने ये टॉपिक भी कवर किया कि व्हाट आर द न्यू डायमेंशंस ऑफ द सिक्योरिटी आफ्टर द कोल्ड वॉर, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो लास्ट टॉपिक हमने किया, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।